हलचल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कारों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे उनके परिवार के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उचित सम्मान और देखभाल मिले। उनका ये कर्तव्य है कि वे इस बात का ख्याल रखें कि परिवार के बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर ये बात कही। वर्चुअल तरीके से सीनियर्स के लिए एक ज्येष्ठ नागरिक महामंडल की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बदलती सामाजिक स्थिति ने लोगों की जीवन शैली में कई बदलाव लाए हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई समस्याएं पैदा हो गई है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नितिन गडकरी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नागपुर में 100 से अधिक मैदान और पार्क उपलब्ध कराए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मेयर दयाशंकर तिवारी, विधायक प्रवीण दटके, विधायक मोहन मते, देवेन दस्तुरे, पार्षद उषाताई पैलट, अध्यक्ष प्रभुजी देशपांडे, सचिव एडवोकेट अविनाश तेलंग, श्याम पातुरकर, शालिनी वैद्य, प्रमोद अंजनकर, सुधीर बोधनकर, लक्ष्मीकांत, हेमंत शिंगोड़े, पद्याकर मारोटकर, अविनाश जोशी, कमलाकर नागरकर, मनोहर वानखेड़े सहित अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित थे। जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल ने मालगी नगर स्थित शिवाजी पार्क गार्डन के वरिष्ठ नागरिकों को गुलाब पुष्प देकर एवं पेड़ा खिलाकर हर्षोल्लास के साथ ज्येष्ठ नागरिक दिन मनाया। लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर विठल राव धोटे एवं मंडल के सचिव डॉक्टर दीपक शिंडेकर ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को पुष्प देकर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंडल के कैप्टन प्रभाकर विंचुरकर, रमेश साठव ने, नामदेव सिंह ने, भास्कर गावंडे, अरुण वानखेड़े, मधुकर केलवतकर, चंद्रकांत पोहाने, वासुदेव खड़से, लक्ष्मीकांत जुमड़े, विजय नावकरकर, प्रभुनाथ खापेकर, दिलीप गायकवाड़, पुष्पा विंचुरकर, प्रभा ढोमने, वनिता व्यवहारे, रमा रामटेके, शोभा बुजाड़े, रजनी कुचे प्रमुखता से उपस्थित थे। त्योहारों के इन दिनों में मिठाइयों की मांग बढ़ रही है, जबकि मिठाई पर उपयोग से पहले तारीख डालना अनिवार्य है। विक्रेताओं को इसका पालन करना चाहिए, ऐसी अपील सह आयुक्त फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन AS महाजन ने की। यह खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर के होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसी बैठक में वे बोल रहे थे। बैठक में त्योहारों के मौसम में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और स्वच्छता बनाए रखने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। त्योहारों के मौसम में जैसे जैसे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है, मिठाई और फरसान, खोआ आदि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की उपेक्षा होने की संभावना है। मिठाई और फरसान बनाते समय उन्हें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही उपयोग की जाने वाली सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए और उन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त पेशेवरों से ही खरीदना चाहिए। साथ ही खाना बनाते समय खाद्य तेल के बार बार इस्तेमाल से बचे। फूड कलरिंग का प्रयोग संयम से करना चाहिए। खुली मिठाई की ट्रे पर उपयोग की तारीख अंकित करने के साथ ही होटल के कर्मचारियों पदाधिकारियों की चिकित्सकीय जांच की जाए, इस आशय के विचार व्यक्त किए गए। उच्च कोटि के शिक्षण तज्ञ, नामांकित तंत्रज्ञ, कृषि तज्ञ और प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर हेमंत श्याम सोनारे को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के औद्योगिक सेल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हेमंत सोनारे भारत की कई प्रख्यात संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के हाथों गत दिनों उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त का पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य एडवोकेट वंजारी भी उपस्थित थे। उनकी नियुक्ति से समूचे महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में हर्ष व्यक्त किया जा रहा है। महानिर्मिति के कोराड़ी ताप विद्युत गृह को सड़क परिवहन के माध्यम से कोयले की आपूर्ति में हेराफेरी की खबर मुख्य रूप से विदर्भ के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। महानिर्मिति ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इस मामले में जांच कराने के लिए निदेशक पुरुषोत्तम जाधव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी सभी प्रासंगिक जिम्मेदार तत्वों की पहचान करेगी, साथ ही इस तरह के प्रकारों को रोकने के लिए आवश्यक उपायों से परामर्श देगी। समिति मामले की जड़ में जाकर तुरंत मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। कोराड़ी पावर स्टेशन के प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और मुख्य महाप्रबंधक भी तथ्यों का पता लगाने के लिए नागपुर पहुंचे हैं।
महानिर्मिति ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा अभूतपूर्व कोयले की कमी के मद्देनजर महानिर्मिति बिजली उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के केदाचार को रोकने के लिए सभी संबंधितों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई करेगी। नागपुर मेडिकल अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी के मद्देनजर व आज़ादी की प्लैटिनम जुबली के उपलक्ष्य में नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन दिवस के चलते नागपुर क्राइम ब्रांच द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गट्टी खदान स्थित क्राइम ब्रांच ऑफिस में आयोजित इस रक्तदान शिविर में 60 पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। नागपुर मेडिकल अस्पताल के आदर्श रक्त केंद्र के सहयोग से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। अक्सर अपराधियों और गुंडों को गिरफ्तार करने वाली नागपुर क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए भी बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। इसी कड़ी में अपराध शाखा के करीब 60 पुलिस कर्मियों ने गिट्टी खदान स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस में स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविर को नागपुर मेडिकल अस्पताल के आदर्श रक्त केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस दौरान रक्तदाता पुलिस कर्मियों को डीसीपी गजानन राजमाने के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस कर्मचारी पुलिस दल में भर्ती होने के बाद से ही लोगों के जान माल की सुरक्षा करने की कसम खाते हैं और इसके लिए 24 घंटे अपने कर्तव्य पर दक्ष रहकर समाज की सेवा भी करते हैं। जब सस्ती, व्यापक और सबसे उन्नत स्वास्थ्य सेवा देने की प्रतिबद्धता की बात आती है तो सेंट्रल इंडिया अपने बेमिसाल संस्थान किंग्सवे हॉस्पिटल्स पर निर्भर करता है। सेवा भाव की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए किंग्सवे हॉस्पिटल्स में अब एक एक्टिव लिवर डिसीज एवं ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आंकड़ों को देखते हुए ये सुविधा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए हर साल करीब 40,000 लोग लिवर ट्रांसप्लांट के इंतजार में दम तोड़ देते हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए ये यूनिट एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में लिवर डोनेशन कार्यक्रम भी नहीं है और इसलिए मरीज लंबी यात्रा कर यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की बुनियादी ढांचे की कमी के चलते मरीज की देखभाल और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए उन्हें फिर से बार बार यात्रा और पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब ये स्थिति बदलने वाली है। गौरतलब है कि LDLT अब अंतिम चरण की लिवर की बीमारी के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया है, जो उन रोगियों के लिए विकल्प प्रदान करती है जिनकी पर्याप्त इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। प्रभाग 24 अंतर्गत सुभान नगर पुराना पार्टी नाका भंडारा रोड एवं साई कॉलोनी जनता सोसाइटी प्रभाग क्रमांक 4 में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के मद्देनजर CCTV कैमरे लगाने सहित विविध समस्याओं को लेकर नेशनल अपनी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश OBC अध्यक्ष तारेश दुरुककर ने जिला अधिकारी विमला आर, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी, महापौर दयाशंकर तिवारी एवं उप महापौर मनीषा धावड़े को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि साई कॉलोनी जनता सोसाइटी साई मंदिर परिसर पूर्व नागपुर में गटर लाइन गली में बिछाने से इनकार किया गया है, जिससे लोगों को गटर लाइन की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। अतः यह अविलंब गटर लाइन की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए। गत दिनों प्रभाग 24 में बादल सुधाकर बरमकर की दुपहिया गाड़ी रात में चोरी हो गई। अतः परिसर में CCTV कैमरे लगाने की आवश्यकता है। परिसर में सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि लोगों का सड़क से चलना मुश्किल हो गया है। सुभान नगर पानी टंकी परिसर में मच्छर विनाशक दवा का छिड़काव अभी तक नहीं हुआ है। कुबड़े हॉस्पिटल के पीछे हनुमान मंदिर परिसर में मच्छरों का आतंक व्याप्त है। प्रभाग 8 के नगर सेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के प्रयासों से प्रभाग 8 में मस्जिद बकर कसाब के पास मोमिनपुरा में एक प्राचीन कुएं को हाल ही जीवन दान देकर उसको उपयोग हेतु शुरू किया गया। भुट्टो ने इसमें जमा तमाम मिट्टी को निकलवा कर पूर्ण रूप से सफाई करवाई, दूषित पानी को साफ करके उपयोग के योग्य बनाकर ऊपर जाली और मोटर पंप लगवाई गई, ताकि पानी का अच्छे ढंग से हर कोई उपयोग कर सके। साथ ही क्षेत्र में जल पाइपलाइन डालकर कई घरों के सामने पानी के नल लगाए। नागरिकों के अनुरोध पर भुट्टो ने यह सराहनीय कार्य करके नागरिकों का दिल जीत लिया है। इस कुएं का उद्घाटन मस्जिद बकर कसाब के पेश इमाम हाफिज मसूद अहमद के हस्ते नगर सेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टो की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर भुट्टो ने कहा कि यह प्राचीन कुएं हमारे प्रभाग की धरोहर है। हमें पूर्वजों से मिली अमानत व धरोहर को संभाल कर रखना बेहद जरूरी है।
कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे। इस कार्य को सुलझाने में तथा कार्य के समय इस क्षेत्र के गणमान्य अकरम अंसारी, खलील कुरैशी, हब्बू सेठ, शमी खान, शकील भाई आदि उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिन पर इतवारा नवयुवक मंडल ने वरिष्ठ नागरिकों का शॉल, श्रीफल, धर्म दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया। इस अवसर पर इतवारा नवयुवक मंडल के अध्यक्ष नीरज जैन, वरिष्ठ पदाधिकारी महेंद्र पलसापुरे, शैलेश धाड़ीवाल, बाला पलसापुरे, विशाल आसानी आदि उपस्थित थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग दिनों में स्टेशनों में स्वच्छता संबंधी पोस्टर्स, बैनर्स प्रदर्शित करके स्वच्छता जागरूकता, स्वच्छ संवाद, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ आहार, स्वच्छ नीर, स्वच्छ प्रसाधन, स्वच्छता प्रतियोगिता तथा स्वच्छता समीक्षा के थीम पर अभियान चलाकर स्वच्छता के प्रति आम जनता में जागरूकता लाने का भरपूर प्रयास किए गए। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हुए किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा रेलवे कार्यालयों, रेलवे स्टेशन परिसरों, डिपो, कार्यशालाओं, रेलवे हॉस्पिटलों आदि में सफाई अभियान चलाया गया तथा सभी स्टेशनों तथा स्टेशन परिसरों में नामित रेल अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में सफाई की गई तथा स्वच्छता को और अधिक बेहतर दिशा में ये अभियान आगे जारी रहेगा। स्वच्छता पखवाड़ा की आगे की कड़ी में नागपुर मंडल के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से 1 अक्टूबर को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। गांधी जयंती के दिन सुबह मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के अगुवाई में रेलवे ऑफिसर माउंट रोड से मंडल कार्यालय तक फ्रीडम रन आयोजित होगा। नागपुर शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी रोबो पॉइंट्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट एंड अवार्ड्स 2021 में राष्ट्रीय स्तर के 2 पुरस्कार जीते हैं। इस कार्यक्रम को AICRA और NITI आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। प्रोफेसर के विजय राघवन, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, एवं प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष AICTI, इस आयोजन के लिए प्रमुख पैनलिस्ट थे। देश भर में लगभग 500 कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठान पुरस्कारों के लिए नामांकन दाखिल किया था। इनमें से 166 कंपनियों को तकनीकी दौर में चुना गया था और उन सभी को पीछे छोड़ते हुए नागपुर के रोबो पॉइंट्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 2 पुरस्कार जीते। समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। इसमें देश की प्रतिष्ठित कंपनियों के CEO और अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राजेश कुमार पाठक सचिव प्रौद्योगिकी विकास विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, SN त्रिपाठी IIPA के महानिदेशक और AICRA अध्यक्ष राज शर्मा के हाथों से रोबो पॉइंट्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नितिन चौबे प्रबंध निदेशक और विनयशील बावनकुले ने इस राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार का स्वीकार किया। जरीपटका स्थित श्री कलगीधर सत्संग मंडल द्वारा आयोजित गुरु नानक देव जी ज्योति जोत गुरुपुरब ऑनलाइन कार्यक्रम में एडवोकेट माधवदास ममतानी ने बताया कि गुरु नानक देव जी कलयुग के जीवों को तारने हेतु संसार का भ्रमण करते हुए मथुरा पहुँचे, जहाँ उन्होंने यमुना घाट पर स्नान कर सभी मंदिर व स्थान देखे। वह गुरुजी की भेंट व ज्ञान चर्चा काशी के एक विद्वान पंडित से हुई। पंडित ने कहा, हे संतवर, काशीपुरी का महात्मा तो सर्व विदित है, चाहे कितना भी कोई पापी हो, परंतु काशी में शरीर त्यागने से उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तब गुरुजी ने कहा, पंडित जी, परमात्मा के नाम सिमरन का महत्व ऐसा है जिसे कोई कहा भी, चाहे काशी में या किसी दूसरी जगह करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहा कि पंडित जी भगत कबीर अंतिम समय में काशी को त्याग कर मगहर की धरती पर जा बसे, जहां उस समय मान्यता थी कि मगहर की धरती पर शरीर त्यागने वाला गधे की योनि को प्राप्त होगा, परंतु भगत कबीर ने अंतिम समय में मगहर की धरती पर परमात्मा के नाम व सत्संग के प्रभाव से मोक्ष पाया। इसलिए ईश्वर का नाम सभी स्थानों पर तारने वाला है। रायसोनी समूह द्वारा हाल ही में 3 दिवसीय उपक्रम स्कूल ऑफ लीडरशिप प्रारंभ किया गया। इस उपक्रम का उद्देश्य रायसोनी समूह को एक उन्नत तथा सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करना था।
ये उपक्रम समूह के शिक्षक वर्ग तथा कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमता का विकास तथा प्रशिक्षण सत्रों द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना था। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में प्रमुख अतिथि के तौर पर सुरेखा ठक्कर उपस्थित थी। रायसोनी समूह अध्यक्ष सुनील रायसोनी तथा जीएच रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के डॉक्टर सचिन ऊंटवाले ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए उपक्रम के उद्देश्य को समझाया। प्रशिक्षण शिविर के प्रथम सत्र में रायसोनी समूह के अधिष्ठाता विभाग प्रमुख संयोजक तथा वरिष्ठ अध्यापकों ने भाग लिया। इस सत्र में उन्हें नेतृत्व क्षमता का विकास, एक प्रभावी नेता बनने के गुण तथा योजनाओं और संशोधन जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। प्रत्येक सत्र में 30 सहभागियों को देश भर के जाने माने तथा कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी आयोग में अश्विन पांडे, डायरेक्टर कॉरपोरेट HR, डॉक्टर सुरेखा ठक्कर, डायरेक्टर SOAL, डॉक्टर विनायक देशपांडे, उपकुलपति GH रायसोनी यूनिवर्सिटी, अमरावती प्रिंसिपल एंड कैंपस डायरेक्टर RGI पुणे तथा डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, डायरेक्टर GHR IBM का समावेश है। झिंकाबाई टाकली के रहिवासी महालेखाकार कार्यालय में वरिष्ठ लेखापाल के पद पर कार्यरत जयंत तांदुलकर ने चरखे के भी छोटे छोटे कार्यरत विभिन्न मॉडल बनाए हैं। उसमें से एक चरखा जिसकी लंबाई 3.20 मिलीमीटर, चौड़ाई 2.68 मिलीमीटर तथा ऊंचाई 3.6 मिलीमीटर है। इसको बनाने के लिए लकड़ी की छोटी स्टिक, स्टील वायर तथा कॉटन का धागा आदि चीजों का इस्तेमाल किया है। इस चरखे की विशेषता ये है कि यह इतना लघु आकार का होने के बावजूद भी इस पर बड़े चरखे जैसे सूत की कताई की जा सकती है। ये पूरी तरह कार्यरत चरखा है। ये दुनिया का सबसे लघु आकार का चरखा है। इस चरखे का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में नाम दर्ज हो गया है तथा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए नामांकन हो गया है। चरखे की पहचान पूरे दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से है। उन्होंने आजादी के पूर्व चरखे का इस्तेमाल कर स्वदेशी का नारा लगाया गया था। भारत की आजादी के आंदोलनों में चरखा ये एक प्रमुख शस्त्र भी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ही भारतवासियों को स्वदेशी चीजें अपनाने का संदेश देकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी थी। नगर देवी मंदिर के नाम से विख्यात श्री अज्ञाराम के शासन निर्णयानुसार पट दर्शन द्वार 7 अक्टूबर से खुलेंगे। इसी दिवस से अश्विन नवरात्रि का पर्व भी प्रारंभ होगा। ये अत्यंत हर्ष की बात है। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य भर के सभी बड़े मंदिर पूर्णतः बंद थे। अब वे दर्शनार्थी भाविकों के लिए खोले जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने गुरु पूर्णिमा से ही अखंड मनोकामना ज्योत सामूहिक केवल एक शुद्ध घी की प्रज्वलित करने का संकल्प किया था तथा इसके पूर्व भी कोरोना काल में अश्विन एवं चैत्र नवरात्रि में जनहित में सामूहिक ज्योत सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें ट्रस्ट द्वारा ही ज्योत प्रज्वलित की थी तथा सभी भक्तों ने 601 रुपए प्रत्येक वर्ष में भरकर महोत्सव सफल किया। इस वर्ष भी 601 देकर सभी भक्तजन इस अखंड सामूहिक नवरात्रि ज्योत महोत्सव में सहभागी हो सकते हैं। तदर्थ मंदिर सचिव हरिओम अग्रवाल, विकास पेटकर, ट्रस्टी विनोद आष्टिकर, गिरजा शंकर अग्रवाल, श्रीमती दुर्गा देवी कोठारी ने किया है। नवरात्रि के दरमियान सरकार के आदेशानुसार वृद्ध, अपंग तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बालकों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये वर्ष स्वतंत्रता के अमृत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता की यशोगाथा प्रेरक है, इसलिए इस यशोगाथा को देश की आगामी पीढ़ी तक पहुंचाएं। ये आह्वान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में स्मार्ट सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के उद्घाटन समारोह में किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधायक व सभी नगर सेवक अपने अपने क्षेत्र में विविध गतिविधियों को लागू करें। नागपुर स्मार्ट सिटी और मनपा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में शहर में कई अच्छी पहल कर रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को सकरदरा तालाब के पास एक पार्क में नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नागपुर नगर निगम के सहयोग से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक मोहन मते, उप महापौर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर, नेता प्रतिपक्ष तानाजी वनवे, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी
एस महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष दिव्या धुर्डे, नेहरू नगर जोन कमेटी अध्यक्षा स्नेहल बिहारे, स्मार्ट सिटी निदेशक अनिरुद्ध शेनभाई, पार्षद रीता मुले, पार्षद नागेश सहारे आदि उपस्थित थे। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज भाट समाज कार्यकारिणी की ओर से भाट समाज के ऐतिहासिक महाकवि चंद्रवर दाई राव का जयंती उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का अध्यक्ष पद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सलाहकार सदस्य संतोष सूर्यवंशी ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यकारिणी अध्यक्ष विजय राव खड़तकर ने माल्यार्पण कर चंद्रबरदाई के जीवन चरित्र का प्रास्ताविक किया। कार्यक्रम में विमल राव मध्य प्रदेश रचित शारदा वंदन गाया गया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन कार्यकारिणी सचिव सुनील सूर्यवंशी ने किया। आभार प्रदर्शन सह सचिव सुहास सूर्यवंशी ने किया। सदर कार्यक्रम को उपाध्यक्ष गजानन जगताप, सलाहकार विजय राव खड़तकर, अनिल पूंजे, यशवंत जगताप, हरिश्चंद्र बाविस्कर, मोरेश्वर चौहान, अनिल खड़तकर, त्र्यंबक तायवाड़े, महादेवराव जगताप, युवा कार्यकर्ते राहुल चितकामले, तुषार जगताप, अंकित जगताप, पूंजे, प्रेमराज सूर्यवंशी, महिला कार्यकर्ता सुवर्णा सूर्यवंशी, शारदा सूर्यवंशी, पुष्पा जगताप आदि समाज कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका के शिवनगांव मराठी प्राथमिक विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों को शुक्रवार को ई टैबलेट वितरित किए गए। इससे पहले संजय नगर सेकेंडरी स्कूल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सेकेंडरी स्कूल और विवेकानंद नगर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को ई टैबलेट बांटे गए। शुक्रवार को शिवनगांव स्कूल के 30 छात्रों को निगम की शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप दीवे ने ई टैबलेट सौंपा। कार्यक्रम में शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप दीवे, खेल समिति अध्यक्ष प्रमोद तभाने, पार्षद प्रणीता शाहने, शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, स्कूल की प्रधानाध्यापिका रेखा देबुआर, स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष अर्चना बोड़े, स्कूल प्रबंधन समिति के शिक्षा विशेषज्ञ दिलीप सातपुते मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप दीवे ने कहा कि नागपुर महानगर पालिका के 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लगभग 2000 छात्रों को उनकी सुचारू शिक्षा के लिए ई टैबलेट वितरित किए जाएंगे। कोरोना काल में विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए मनपा स्कूलों के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ घर पर भी शिक्षा प्रदान की गई। छात्रों का 10वां वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष होता है, ऐसे में उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने शुक्रवार को 3 दुकान प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला। टीम ने 43 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार और एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कार्रवाई की। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।